रुक जाओ। तो हमेशा अपने पिताजी से बाइक चाहिए कहता था ना, अब ले ले। अब इसकी क्या जरूरत है माँ? चलो बेटा, टाइम वेस्ट ना करो। मेरे बेटे को रुलाया है ना, अब देखती हूँ कौन किसे रुलाता है। आओ बेटा। इसका हाँ। कितना है इसका? 49,000 बेंच। ये सब क्या है माँ? क्या हुआ? पुलिस वाले सर्विस रिवॉल्वर ढूंढने आए थे। मिली क्या? नहीं। फिर कहाँ गई? मेरे पास है। क्या हुआ माँ? पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा तुम्हें। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी जमाने की बात है, एक जंगल में हर तरह के जानवर रहा करते थे। भेड़, बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, उनके बीच कोई खतरनाक जानवर नहीं था। इसीलिए वो सब इस जंगल में सुख, शांति और आराम से जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन उन भेड़ बकरियों को सब कुछ खा जाने और हजम करने की आदत थी। भूख थोड़ी होती फिर भी ज्यादा खाते थे। इस तरह खा खाकर सारे पेड़ पौधे हजम कर गए। जिस तरह हमारे सरकारी अधिकारी रिश्वत खाते हैं, हद से ज्यादा खा गए, जिसकी वजह से जंगल में हरियाली खत्म हो गई। पेड़ पौधे ना होने की वजह से बादल नहीं आए और बारिश नहीं हुई। बिना पानी के सूखा पड़ गया। सभी जीव जंतु भूख के कारण बिलखने लगे। उनका जीना मुश्किल हो गया। मरने की हालत में पहुंच गए। सबकी बड़ी दुर्दशा हो गई। अब क्या होगा भगवान? ऐसे वक्त में जंगल में एक शेर घुस गया। एक एक करके वो सब जानवरों को खाने लगा और उनके मरने की वजह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और इसी हरियाली की वजह से बादल छाए, वर्षा हुई, नई कोपले फूटी और फिर से जंगल में बाहर आ गई। अब हमारे देश की वही दुर्दशा है। शेर आने का टाइम हो गया और वो शेर तुझे बनना है। तुझे वो शेर मैं बनाऊंगी। आज के बाद ऐसे लोगों को तुम मारोगे। मेरे शेर पर हाथ डालने से पहले, चाहे वो कोई भी हो, उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। चलो तैयार हो जाओ। के पथ पे चलते जाना, सबको है अपना न्याय दिलाना। अत्याचारी से टकराना, जुल्म के आगे सर न झुकाना। धरती से है पाप मिटाना, मैंने अपने दिल में ठाना। कसम कसम अब कोई ना होने पाए जुल्म से आहत, बच के ना कोई जाने पाए। ये है मेरी पत्थर जैसा खुद को बनाना, रावण की लंका है जलाना। मुझे है माँ का वचन निभाना, पापी से बदला है चुकाना। धरती से है पाप मिटाना, मैंने अपने दिल में ठाना। कसम 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 अब कोई ना होने पाए जुल्म से आहत, बच के ना कोई जाने पाए। ये है मेरा चलते जाना, सबको है अपना न्याय दिलाना। अत्याचारी से टकराना, जुल्म के आगे सर न झुकाना। धरती से है पाप मिटाना, मैंने अपने दिल में ठाना। कसम 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 अब कोई ना होने पाए जुल्म से आहत, बच के ना कोई जाने पाए। ये है मेरी जाने का वक्त हो गया। तुझसे जिन जिन लोगों ने रिश्वत मांगी है लिस्ट बना। पिताजी से मिलने के लिए 100 रुपए मांगे थे ना, उस पे निशान लगा। रोको रोको, बाजू में लो, गाड़ी रोको, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। हाँ, कागज दिखाओ, लाइसेंस, परमिट। सौ निकालो। की 100? सब कुछ है फिर पैसे क्यों देने? अरे सब कुछ ठीक है इसीलिए तो 100 नहीं तो 1000 लगते हैं। निकालो निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। परेशान कर रखा है। हम गरीब बाणों से दाते हैं। हाँ चल चल। मैं भी दूंगा। तुम फायरमैन विक्रम राव के बेटे हो ना? ये क्या है? गरीबों से रिश्वत मांगता है तू? जाकर सबको बता दो रिश्वत मांगा इसलिए मार दिया। की जाके सबने दसो रिश्वत मांगी है नू मारता। पुत्र थोड़े जैसा एक बस आदेश सुधर जाएगा। अब कोई ना होने पाए जुल्म से आहत, बच के ना कोई जाने पाए, ये है मेरी अदाना। एक वक्त था जब पुलिस डिपार्टमेंट की समाज में बहुत इज्जत हुआ करती थी। हर माँ अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाने का ख्वाब देखती थी। हम किसी के घर जाते तो बड़ी इज्जत समझी जाती थी, लेकिन अब पुलिस की आवाम में कोई इज्जत नहीं है। और ये फैक्ट है, हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन ज़्यादा हो गया है। हम में जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं, ये मैं भी जानता हूँ। पर कुछ भी हो, हमारे डिपार्टमेंट को पहले जैसी स्थिति में लाना ही होगा। इसीलिए एसीपी राजा नरेंद्र को स्पेशल ऑफिसर बनाया जाता है। इस पेपर की हेडलाइंस तो देखो, 100 रुपए रिश्वत मांगने की वजह से सरेआम कांस्टेबल का कत्ल। व्हाट इज दिस? हाँ, अभी कल की बात है। विक्रम राव नाम के फायरमैन की मौत से उसके बेटे सीताराम ने गुस्से में इस इंस्पेक्टर को बुरी तरीके से पीटा। ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने इस केस की अच्छी तरह स्टडी की है। उसने किस लिए पीटा इससे कोई सरोकार नहीं। समाज की रक्षा करने वाले पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाए, ये पॉइंट है। उसे इस तरह छोड़ दिया गया तो सबको इसकी आदत पड़ जाएगी। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। कांस्टेबल के कातिल को और हमारे एसआई को मारने वाले उस सीताराम को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। वो कैसा भी आदमी हो, उसके कुछ भी कारण हो, पर मेरी नजर में ही इज द क्रिमिनल। मेरी पुलिस पर हमला किया, उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। वेरी गुड मिस्टर नरेंद्र, इसके बाद इस विषय में मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर अंडर डीसीपी मुरली पाटेकर। सर बाय द वे, मुरली पाटेकर के दामाद हैं ये इंस्पेक्टर। कहाँ गए ये लोग? जब से रामा के पिता का देहांत हुआ वो लोग चले गए। कौन कौन रहते थे यहाँ पे? रामा के पिता, उसकी माँ और रामा। उसका नाम क्या शिवराम है? नहीं 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 नहीं, सीताराम। ओह, वो कैसा दिखता है? बहुत सीधा साधा शरीफ था, लड़कियों को देखते ही भाग जाता था। वो देखिए उस लड़की को, रोज उसको प्रेम प्रेम करके सताया करती थी, लेकिन वो इससे भी डर के भाग जाता था। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? नरेंद्र, एसीपी पुलिस। जानकी। स्टूडेंट। सीताराम को जानती हो तुम? नहीं, प्रेम करती हूँ। तुम्हारा सीताराम कहाँ है? पता नहीं। प्रेम करती हो ना उससे? हाँ, प्रेम करती हूँ। इसके बावजूद तुम्हें पता नहीं कि सीताराम कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम सच कह रही हो या जानबूझकर झूठ बोल रही हो? जानती तो भी ना बताती। पुलिस को क्या समझती हो तुम? हाँ, तुम और वो बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो वह बच जाएगा? अगर वह कहीं भी रहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे।